अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रदेश की कई अनाज मंडियों का दौरा किया। वहीं पानीपत मंडी के दौरे पर पहुंचे हुड्डा ने किसान मजदूरों और आढ़तियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। हुड्डा ने कहा कि उन्हें लगातार प्रदेश भर से किसानों की शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि 1 अप्रैल से खरीद का ऐलान करने के बावजूद सरकार ने मंडियों में उचित व्यवस्था नहीं की। कई जगहों पर फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे किसानों को नमी, रजिस्ट्रेशन और सर्वर डाउन का बहाना बनाकर परेशान किया जा रहा है। खरीद शुरू होने के 8 दिन बाद भी ना तो गेहूं की उचित खरीद हो रही है, ना ही उठान की कोई व्यवस्था है और ना ही किसानों की पेमेंट हुई है, जबकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि 72 घंटे के अंदर किसान को भुगतान कर दिया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि सरकार को न सिर्फ खरीद, उठान और भुगतान में तेजी लानी चाहिए, बल्कि अपने वादे के मुताबिक भुगतान में देरी पर किसानों को ब्याज भी देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार पूरी तरह फेल है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने गेहूं में नमी की मानक सीमा को 14 से घटाकर 12 करने और प्रति क्विंटल मानक मिश्रण की मात्रा 0.75% से घटाकर 0.50% करने का विरोध किया। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर पानीपत टोल प्लाजा पर धरनारत किसानों के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों के हौसले और अनुशासन की सराहना की। हुड्डा ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों की आय डबल करने का झूठा नारा देकर सरकार लगातार उसकी लागत बढ़ाने में लगी है। मौजूदा सरकार किसान से खाद, बीज, बिजली, दवाई, पेट्रोल, डीजल और कृषि यंत्रों पर GST के नाम पर मोटी वसूली कर रही है, लेकिन किसान को उचित MSP और MSP का कानून देने के नाम पर सरकार चुप्पी साध रही है। आज मैं बबैन मंडी और लाडवा कुरुक्षेत्र करनाल और पानीपत पहुंचा हूं। तो यहाँ सबसे बात हुई मेरी किसानों से भी हुई, आढ़तियों से भी हुई और मजदूरों से भी हुई। जो सरकार ने वायदा किया था 1 तारीख से जिस रूप सुचारू रूप से गेहूँ खरीद का किया था, सारे वायदे सारे खोखले निकले। ना किसान संतुष्ट है, ना आढ़ती है, ना मजदूर है, क्योंकि जो पोर्टल में आ जाए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, गिरदावरी भी समय पर न्यूज़ की डिले की वजह से पूरे दिन में कुल 16 लाख में से 8 लाख की रजिस्ट्रेशन हुई। 8 लाख किसान अभी बाकी हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, वो कहाँ जाएंगे 50% किसान। और अभी बताया मुल्ला शाह जी ने 40 क्विंटल ये है मैसेज, अगर उसका 50 क्विंटल आया तो 10 क्विंटल वापस कर देते हैं। किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे, तो ये गलत है। और आढ़ती की पिछली जीरी की पेमेंट अभी नहीं मिली है उनकी, जो ब्याज की है वो मिलनी चाहिए थी। किसान का और आढ़ती और मजदूर तीनों मिलजुल के काम करते थे ताकि किसान को समय मिले। अब जो है 1 तारीख से इन्होंने काम शुरू करेंगे खरीद, और 48 घंटे में किसान को पेमेंट मिलेगी। यहाँ पे कौन सी तारीख कोई प्रधान जी एक सर, तो पेमेंट मिलेगी नहीं, कुछ भी नहीं सर। आज 8 तारीख है, कहाँ गए 48 घंटे? तो वायदा कहाँ गया? 9% ब्याज देंगे, ब्याज तो इनको भी नहीं दिया अभी तक पिछले साल का जीरी का आर्थिक है। हाँ, जीरी का नहीं दिया। तो ये स्थिति है। ये जो पोर्टल का है, इनका पोर्टल जो है वो लोड ले नहीं रहा। अभी वहाँ लाडवा मंडी में मैं था, विधायक जी भी साथ थे मेरे, ठोकर साहब, वहाँ किसान ने बताया कि जी जब नंबर था मेरा, अब नंबर ही बदल गया 2 दिन के बाद। इस किस्म में पोर्टल डिफेक्टिव है, लोगों को परेशानी बढ़ाने का काम, क्योंकि आज अगर किसान की आज फसल बिकती है और उसको मैसेज 10 दिन के बाद आता है, तो 10 दिन तक क्या करेगा वो? मतलब वो फसल खेत में छोड़ नहीं सकता, जैसे अब देखा पीछे तूफान और बारिश आई, ख़राब हो जाएगी, अपने गांव में ले जाएगा, अपने घर ले जाएगा, घर से फिर मंडी में लाएगा, उस पर जो खर्चा वाहन का होगा वो किसका होगा? तो आढ़ती कोई बिचौलिए नहीं है, आढ़ती फैसिलिटेटर है। किसान के फसल पकती थी तो अल्लाह के मंडी में रखता था पक्के फर्श पे, बारिश आ जाती को आती तो आढ़तियाँ उसके ऊपर
तिरपाल रखता था, किसान की फसल बचाने का काम करता था और समय पर उसकी छलनी मरवाता, तोल करवाता, हर समय में करता। आज मजदूर से बात हुई, मजदूर कहते हैं जी हम तो आरती ठेकेदार मजदूर के ठेकेदार थे, तो रोज़ की मजदूरी लेते हैं, आरती हमारे को देते एडवांस देते थे हम ले लेते थे, आज कौन देगा हमारा मजदूरी, कितने देर इंतजार करनी पड़ेगी। मजदूर भी परेशान, किसान भी परेशान और आरतिया भी परेशान। तो ये करके इनको सरकार को आत्ममंथन करके इनसे बात करके स्टेक होल्डर से सब बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए और जो वायदा किया था वो अपना पूरा करना चाहिए। आज अभी तो आवक आएगी, थोड़ी सी आवक नहीं संभल रही इनसे, तो पूरे दौरों में जब आवक होगी तो कैसे संभालेंगे, इतनी परेशानी होगी किसान को, उल्टा किसान की लागत में बोझ डाल दिया। आज खाद की उस कीमत में डीएपी खाद में जो 1200 इकट्ठा था वो 1900 कर दिया, एनपीके का जो 1135 का था वो 1700 कर दिया, डीजल आसमान में जम रहा है। तो महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, किसान की लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। मेरा यह है कि तुरंत जो बढ़ाए हुए खाद के रेट हैं वो वापस ले जाएं, क्यों अब गन्ने में ज़रूरत पड़ेगी, जो आलू बता उसमें आलू की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ से डीएपी का कट्टा 4-4 कट्टे डालें तो आप देख लो कितना फर्क पड़ेगा लागत में हर और प्रति एकड़ से। तो ये जो है इसको तुरंत वापस लें और डीजल में राहत दें, किसान की लागत कम करें, जो वायदा किया था वो अपना पूरा करें और इनसे बात करके जो आढ़तियों से पहले समझौता किया था, जो पिछले साल भी हमने कहा था कि भाई ये किसान की ऑप्शन छोड़ो, वो आढ़तियों को देना चाहता है या सीधी पेमेंट लेना चाहता है, आढ़तियों की ऑप्शन लो, किसानों की लो, शायद ले भी रखी है पर सरकार अपने वायदे पे नहीं है, परेशानी तीनों को है। तो आज जो ये परिस्थिति हुई है, अब ये सरकार जो है विफल सरकार है और खोखले वायदे है, हर तरह से बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ गई, आज हरियाणा नंबर 1 बेरोज़गारी में चला गया, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रही। तो इस सरकार को आत्म मंथन करना चाहिए और जनहित के फैसले लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, आज जैसे आढ़तियों की हड़ताल है, इससे काफ़ी किसान भी इनके देखने वो परेशान है। मैं तो कह रहा हूँ हर वक्त परेशान है, आढ़तियों भी परेशान है, किसान भी परेशान है और मजदूर भी परेशान है। ये परेशानी का स्टेक होल्डर से बात करके किसान सरकार को समाधान निकालना चाहिए, जो वायदा किया वो पूरा करना चाहिए। बीजेपी ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक